हेलो बच्चों, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संदीप सर में। और हमारा चैप्टर है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3। तो फिर आपका टॉपिक है आज का कि इलेक्ट्रो विभव क्या है। जब किसी धातु के छड़ को उसके अपने ही आयन वाले विलयन में डुबा दिया जाता है तो इस प्रकार से विद्युतीय द्विक तल का निर्माण होता है। ठीक है, विद्युतीय द्विक तल का निर्माण होता है और उनके जिससे धातु और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। देखिए, ये धातु और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है तो जिस विभवांतर को ही इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। इसमें है कि इलेक्ट्रॉन विभव बता रहा है कि उसके, देखिए, जब किसी धातु के छड़ को उसके अपने ही आयन वाले विलयन में डुबाया जाता है तो एक विद्युतीय द्विक तल का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है कि धातु और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी विभवांतर को इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। देखिए, यह इलेक्ट्रॉन विभव तभी समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रोड के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त किए होंगे। देखिए, जैसे कि ये आपको विलयन लेते हैं, इसमें ये जार है और इसमें ये आपका विलयन है। ठीक है, और धातु के प्लेट को लेते हैं, धातु के दो प्लेट को लेते हैं, ये आपका धातु का प्लेट है। ठीक है, ये जिंक का, ये कॉपर का है और ये कॉपर का छड़ है। ठीक है, और ये जिंक का है। तो इस प्रकार से देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो किसी धातु के छड़ को उसके अपने ही आयन वाले विलयन में डुबाते हैं, ये आपका धातु के छड़ है और क्या बोल रहा है कि उसके अपने ही आयन वाले विलयन में डुबाया जाता है तो एक विद्युतीय द्विक तल का निर्माण होता है, एक विद्युतीय द्विक तल का निर्माण होता है। और उसके बाद जिससे धातु और विलयनों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, ये आपका धातु और ये विलयन है, धातु और विलयन के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी को इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन विभव के प्रकार। तो इलेक्ट्रॉन विभव के दो प्रकार होते हैं, ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव। ठीक है, अब है कि ऑक्सीकरण विभव क्या है, इसके बारे में देखिए। ऑक्सीकरण विभव है कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसी को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ठीक, फिर अवकरण विभव। तो अवकरण विभव बस वही सेम कंडीशन है जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण विभव है, उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और इसमें किसी विलयन से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ठीक, तो उसी को इलेक्ट्रॉन विभव का अवकरण कहते हैं, से अवकरण विभव कहते हैं। अब है कि इलेक्ट्रॉन विभव का मान विलयन, जो इलेक्ट्रॉन विभव का मान होता है वह विलयन के धातु और आयन के सांद्रण और ताप पर निर्भर करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विभव का निर्धारण प्रायः मानक अवस्था में किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन विभव का मान होता है वह धातु के सांद्रण वह विलयन के धातु आयन के सांद्रण और ताप पर निर्भर करता है। ठीक, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन विभव का निर्धारण प्रायः मानक अवस्था में किया जाता है। अब है कि मानक अवस्था क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे कि मानक अवस्था क्या है। तो मानक अवस्था है आपका कि जब धातु आयन का सांद्रण एक मोलर और ताप, यहाँ देखिए धातु आयन का सांद्रण जो है वो आपका बोल रहा है एक मोलर, धातु आयन का सांद्रण आपका एक मोलर बोल रहा है और ताप जो है आपका 298 केल्विन बोल रहा है। ये सांद्रण और ये ताप हुआ 298 केल्विन। तो इस अवस्था में
उसी को मानक दिवो या फिर मानक अवस्था कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। अब है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। जब धातु आयन का सांद्रण एक मोलर होता था ताप 298 केल्विन, देखिए धातु आयन का सांद्रण बोल रहा है आपका एक मोलर, धातु आयन का सांद्रण एक मोलर और ताप 298 केल्विन बता रहा है, ठीक। तो इस अवस्था में निर्धारित इलेक्ट्रॉन के विभव को मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रॉन विभव को ई नोट से सूचित करते हैं, यहाँ देखिए ई नोट है, तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव को ई नोट से सूचित करते हैं। मानक अब है कि, या फिर ऐसे भी बता सकते हैं कि मानक अवस्था में निर्धारित इलेक्ट्रॉन के विभव को मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव के दो प्रकार होते हैं, सही है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव के दो प्रकार होते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अवकरण विभव। अब है कि मानक ऑक्सीकरण विभव क्या है, इसके बारे में देखिए। मानक ऑक्सीकरण विभव है कि जब 298 केल्विन ताप पर किसी इलेक्ट्रॉन का एक मोलर सांद्रण वाले विलयन में डुबाने पर, देखिए 298 केल्विन यहाँ टेम्परेचर बढ़ा है और एक मोलर सांद्रण बोल रहा है, सांद्रण वाले विलयन में डुबाने पर इलेक्ट्रॉन विलयन में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तब उसके विभव को मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसमें भी आपका सांद्रण एक मोलर और ताप 298 केल्विन वाले विलयन में जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसी को मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। और फिर इसी प्रकार से आपका मानक अवकरण विभव है कि इसमें जो है कि किसी, इसमें भी एक मोलर सांद्रण और 298 केल्विन टेम्परेचर रहेगा और उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उसी को मानक अवकरण विभव कहते हैं। इसे देखिए, मानक अवकरण विभव को ई नोट रेट से सूचित करते हैं इससे, और मानक ऑक्सीकरण विभव को ई नोट एक्स से सूचित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।